आपातकाल। नाम से ही जाहिर है कि आपात स्थिति में ही इसे लागू किया जा सकता है। इसे युद्ध, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लागू किया जा सकता है। लेकिन कभी सुना है कि कोई देश केवल गैंग वॉर के चलते इमरजेंसी लगा दे? नहीं सुना है ना? तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं ऐसे देश के बारे में जहां गैंग वॉर से ऐसे हालात हो गए कि राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगाकर पूरे देश को सेना के हवाले करना पड़ा। ये देश है दक्षिण अमेरिका के प्रशांत महासागर के किनारे बसा अल सल्वाडोर, जहां बढ़ते गैंगवार को लेकर आपातकाल का ऐलान कर दिया गया। इस दौरान लोगों के नागरिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया। जनसंख्या के हिसाब से अल सल्वाडोर में सबसे ज्यादा मर्डर हो रहे हैं। अकेले शनिवार को यहां 62 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद मजबूरन वहां की संसद को आपातकाल की मंजूरी देनी पड़ी। अल सल्वाडोर कांग्रेस के अध्यक्ष अर्नेस्टो कास्ट्रो ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन के बाद कहा कि हम आपातकाल को मंजूरी दे रहे हैं। ये हमारी सरकार को सल्वाडोर के लोगों के जीवन की रक्षा करने और क्राइम का सामना करने की अनुमति देगा। अल सल्वाडोर में 2021 के दौरान 1140 हत्याएं दर्ज की गई थी। ऐसे में प्रति 1,00,000 निवासियों पर औसतन 18 मौत का आंकड़ा है, यानी हर 1,00,000 आदमी में से 18 लोगों की मौत हो जाती है। अल सल्वाडोर 1992 तक गृह युद्ध की विभीषिका से जूझ रहा था। अब बढ़ती हत्याओं ने सरकार को परेशान कर रखा है। अल सल्वाडोर में दुनिया में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं। अल सल्वाडोर की आबादी करीब 65 लाख है। 2015 में यहां प्रति 1,00,000 लोगों पर 103 हत्याएं दर्ज की गई। हत्याओं का आंकड़ा आबादी के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा है। आपातकाल के कारण पूरे देश में भीड़ इकट्ठा होने और सभाओं के लिए लोगों को जुटाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, आपातकाल में किसी भी नागरिक को बिना कोर्ट में पेश किए 72 घंटे से ज्यादा समय तक एडमिनिस्ट्रेशन कस्टडी में रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के कारण और हिरासत में लिए जाने पर वकील तक पहुंच के अधिकार को भी कम किया गया है। राष्ट्रपति नायब बुकेले ने आपातकाल की मंजूरी देने के बाद संसद के इस फैसले की तारीफ की है। बुकेले ने ट्वीट किया कि आपातकाल के तहत प्रतिबंधों को संबंधित विभागों के जरिए जरूरी होने पर ही लगाया जाएगा। लोगों के लिए आम जनजीवन सामान्य रहेगा। आप सभी पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। उन्होंने ये भी कहा कि वो देश के सभी जेलरों को आदेश दे रहे हैं कि वो अपने सेल में गिरोह के कैदियों को 24 घंटे बंद रखें। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।